अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा पर कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे जो यानी द अलग अलग इम्पोर्टेंट कुछ आ रहा है छुट्टियाँ सगाई ना तेरे बोले तेरे बोले मुझे रिएक्शन कर चुके ब्लू रे वेलकम ब्रदर वेलकम वेरी नाइस सॉन्ग थैंक यू सो मच योर वॉइस इज ऑसम थैंक यू सो मच योर वॉइस इज सिरिश चौधरी वेलकम ब्रदर वेलकम गोल्ड थैंक यू सो मच खुद से अपनी तारीफ की जा रहे हो मेरी वीडियो से कमेंट पढ़ रहा हूं मैं कमेंट पढ़ रहा हूं कमेंट देखिए अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा ठीक है ये ठीक है हमारे चेहरा कितना मिलते हैं ना देखो एक बार मिलचा साची ना यार मिलचा यार के आर आर आई ब्रदर आई वेलकम टू आई सेम सेम हो गए सेम सेम हो गया हमारा चेहरा गाइस यार ये क्या हो रखा है मैं तो एक साल में तो फिर सेम हो जाएगा एक साल में 90% मिल गया है लाइव स्टार ब्लॉग नाइस रिएक्शन कंटिन्यू टू रिएक्शन एंड आल्सो फर्स्ट बिफोर वन ऑफ रिएक्शन थैंक यू ब्रदर लाइव स्टार ब्रदर थैंक यू सो मच कितनी प्यारी लग रही बहुत प्यारी लग रही साड़ी में तो आई कांट एक्सप्लेन योर ब्यूटी इन साड़ी एवरी टाइम यू वेयर साड़ी I feel so ki once english ma feel so good turkey I mean so turkey akhri turkey orange na 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 turkey nahi I feel so thank you sitting sulti nice kamal yaar kamal No words to explain. Okay. Tis koi le saathiharu? Saathi tis koi le yaar. Ranjit Lama namaste lo so khamula hai. Tis koi le saathi tis koi le yaar. Kati kati ho? सबै जनालाई हाम्रो चेलीबेटी दिदीबहिनी को हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि साथीभाइ दाजुभाइ सबैजनालाई ह्याप्पी टिज है त एडभान्स होला तिज कहिले हो भोलि जस्तो तिज हो एक्काइस गते ओके आज कति गते हो मतलब एलियालाई पनि तिज लगाइसक्यो साथीहरू हेर्नुहोस् रातो साडीमा आइसक्यो सोल्टिनी लभ पर्यो अरे हजुर के गर्नु पर्यो अब परेछ अजित दगाल ब्रिक रेस्पेक्ट द म्युजिक रेक थैंक यू सो मच अजित दगाल ब्रदर थैंक यू सो मच ल वेलकम छ है लाइभमा सबैजना ऐसा मत करो कमेंट देखो मुझे एक बार म्यूट कर दो प्लीज मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर ओके ओह माय गॉड सुपर चैट थैंक यू सो मच यार लव स्टाइल ब्लॉग्स थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू सो मच फॉर 40 रुपीस यार ओह माय गॉड फर्स्ट टाइम सुपर चैट आता थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू सो मच मुझे म्यूट कर दो एक बार मैं कुछ कहना चाहता हूँ ठीक है मत सुनना मेरा कुछ भी हाँ ठीक है तो गाइस देखो अब मैं एक बात मेन 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 मेरा प्रपोजल ये के भनेको छ राम्रो सुनो न यो भाइले के भनेको छ हैन ओके वी नीड टु अंडरस्टैंड हिम हैन उसले उसको मनमा के छ कुराहरु त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ एभ्री वनले बात कहता हूं देखो मेरा जो पास्ट की लाइफ है वो पास्ट हो चुका है ना और उसको उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो
मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो, ये बहुत गलत बात है ना। पास्ट में जो कुछ भी हो आपको भी पता है ना, सबको पता है। हाँ मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ पे उसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और देखो हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना, और ये जो है वो मेरी अपनी डिसीजन है, मेरी खुद का, ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलरेस फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है। कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स कर लो। ओके ओके, यानी पूरा चाहिँ डिवोर्स गरेको बारेको कुरा रहेछ हैन। लडी छ सुनो, अझै सुनो के भन्छ भाइले। हैन देखो अगर रिलेशन में दो अगर मिलके नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देयर इज नो ऑप्शन। मिलने का कोशिश करना है, कोशिश किया, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिछड़ के रहते हैं, है ना। उसने भी सोचा, मैंने भी सोचा, चलो यही है गाइस। देखो अगर दोनों का बात नहीं मिलता, सिर्फ झगड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा। ऐसा नहीं है, बाद में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना। जैसे अमेरिका में देखो अपनी शोहर ने उसकी बीवी को मार दिया। ओ यार, यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन सिरियसली लिनुपर्छ, किनभने लाइफमा लाइफ पार्टनर भयो, लाइफ पार्टनरसँग होइन, कोहीसको कोही पनि लाइफ पार्टनर छ, तपाईँ हाम्रो लाइफ पार्टनर छ भने होइन, मिलेर गइरहेछ भने त्यसमा केही प्रब्लम भएन। तर एकअर्का नै एन्टिक भइरहेछ होइन, घरमा एउटै घरभित्र, अनि आफ्नै पत्नीले पतिलाई मन नपराउने, पतिले पत्नीलाई मन नपराउने भनेर त्यसरी एकअर्कामै गुम्सिएर रिस राख बाँधेर होइन त्यसरी बस्नु भन्दा त बडो भाइले सुरेश भाइले भने जस्तै ओके बडो मन पर्दैन भने सल्लाहले नै डिभोर्स गर्दा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने गरेको रहेछ, जुन चाहिँ मलाई नि ठिक लाग्यो होइन। किनभने सबको पर्सनल लाइफमा आफ्नो प्रब्लम हुन्छ एभ्री वान होइन, मेरो पनि पर्सनल लाइफ छ, हजुरको पनि पर्सनल लाइफ छ, ऊ सुरेश भाइको पनि पर्सनल लाइफ छ, हामी थर्ड पर्सन हो क्या। जस्तै सुरेश भाइको र सुरेश भाइको जुन थियो पहिलाको वाइफ होइन, उनीहरूको लाइफमा हामीले जज गर्नु मिल्दैन क्या होइन। अनि भाइले चाहिँ के भन्दैछ भने यही कुरालाई लिएर उसलाई चाहिँ धेरै टर्चर गर्छ, नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँछ होइन, त्यस्तो कुराहरू भन्ने रहेछ। ठिकै हो, अब त्यस्तो चाहिँ नगरिदिउँ होइन, किनभने उसको पर्सनल लाइफ हो, उनीहरूले आफैले हेडेट गर्नु सक्छ, त्यसमा हामी चाहिँ जज बनेर कसैलाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन होइन। किनभने उनीहरूको के थियो, हामीले अब जबरजस्ती गरेर कसैको लाइफ एट्याच गर्नु हाम्रो अधिकारको कुरा होइन नि त होइन, उनीहरूको लाइफमा के चलाएको छ उनीहरूलाई थाहा छ एभ्री वान होइन। त्यही भएर मेरो पनि कुरा भाइले गरेको कुरा चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो। यदि दुईवटा शरीर हो नि त या दुईवटा शरीर एक हुन सक्दैन पनि, ओके अफकोर्स उसको पनि आफ्नो लाइफ छ, भाइको पनि आफ्नो लाइफ छ होइन, आफू राम्रै सेटल भएर बसेको राम्रो, ताकि भविष्यमा गएर अझै रिस बढेर ठुलो भएर के थाहा भयो अहिलेको जमाना मान्छेहरूको रिस कस्तो हुन्छ, भरे सुतिर बेलामा के गरिदिने हो कि, खानामा के मिलाएर हालिदिने हो कि, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त होइन, जुन चाहिँ एउटा हुन्छ नि रिलेसनसिपमा ट्रस्ट भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हो क्या। यदि ट्रस्ट नै छैन, ट्रस्ट बिल्डअप छैन भने त त्यो रिलेसनसिप अगाडि बढ्न सक्दैन कि कुनै न कुनै दिन भत्किन्छ। त्यही भनेको छ भाइले, ठिकै लागेको छ। अब के भन्नु त सुनौँ होइन। देखो क्यों पसन्द नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया है ना। जो जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिलके नहीं रह सकती उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना। वो भी खुश है, उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो देख्ने मान्छेले हेर्ने मान्छेले म कति हेरेछु कि, मैले पनि कुराहरू नगरेँ पहिला होइन, किनभने उसको त्यो अस्मिता होला सायद होइन, त्यो बहिनी आएर
रुएर टिकटकमा रोएर भिडियोहरू बनाएको मैले देखाएको थिएँ पहिला नि, तर मै कुरा यस्तो कुराहरू कुरा गर्नु चाहिरहेको थिएन होइन। अब भाइको कुरा आयो होइन, उसले पनि कुरा राखेको छ नि त, उसलाई पनि कति पीडा थियो होला, तर उसले पनि भन्नु सक्थ्यो होला त्यसरी, उसले गरेन नि त। जस एउटा कर्तव्य चाहिँ पुरा गरिदिएको छ भनौँ न, एउटा हाम्रो कानुनले लले अब यति दिनुपर्छ तिमीले यसरी छोड्दाखेरि यति यति दिएपछि चाहिँ ल तिमीबाट अब यो टाढा भइसक्यो यसको जिम्मेवार तिमीले लिनु पर्दैन भन्ने एउटा ल रहेछ नि त, कानुन छ नि त हाम्रो नेपालमा होइन, जसमा चाहिँ उसुरेश भाइले साफ साफ भनिसक्यो। अब यसमा उसलाई गलत भन्न मिल्दैन क्या, हामी जो थर्ड पर्सनहरू हुन्छ नि बाहिरबाट हेर्ने मान्छेहरू, हामीले उसलाई गलत भन्न मिल्दैन। त्यसैले एभ्री वान जो कोहीले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन, अनि सुरेश भाइलाई चाहिँ एउटा बुढी हुँदा हुँदै अर्कोसँग लाग्यो यस्तो उस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ भने प्लिज बिन्ती गर्छु है हजुरहरूलाई, यस्तो कुरा नगरिदिनु होला, किनभने सबैको पर्सनल लाइफमा उतार चढाव हुन्छ। अब उसको लाइफमा यो चल्दै थियो होइन, यसले गर्दा नै अब उसको पर्सनल लाइफमा धेरै टर्चरहरू आएको हामीले देखिरहेको छ, त्यसैले यो चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला कदापि पनि होइन, किनभने सबैलाई आफआफ्नो अधिकार छ कसरी बाँच्ने कसरी बस्ने भनेर होइन। एभ्री वान मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा, मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना, तो वो भी खुश है, डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे। ओके सीधे कुरा भने पनि वो भी खुश थे, अब वो भी खुश थे, अब त्यो ऊ पनि खुश थियो, ऊ पनि खुश थियो भने अनि हु वी आर के, हामी को होला, हामी थर्ड पर्सन को होला हैन, जबरजस्ती मान्छेको लाइफमा अनि इङ्गेज भएर अनि जबरजस्ती मिल 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 भन्ने त होइन नि त होइन, उनीहरूको पर्सनल लाइफ हो यार, डजन्ट म्याटर के, हामी त सुरेश लामा भाइको फ्यान हो नि त, हामी त उसको पर्सनल लाइफमा हेरेर फ्यान भएको होइन नि त, उसको जुन कला छ नि त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले डेन्जर फलो गरेर रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले उसको फ्यान भयो भने त, उसको भोइस भोकल उसको जुन सङ्गीत छ यहाँनिर कानमा सुन्छ तर सिधै दिलमा छुन्छ होइन, कानमा सुन्छ सिधै दिलमा छुन्छ, त्यही भएर हामी फ्यान भएको नि त, डजन्ट म्याटर कि उसको पर्सनल लाइफमा के हुँदैछ होइन, त्यस्तोमा हेर्नु भएन बुढो, कुनै ठाउँमा हेल्प गर्नु सक्छौ भने चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरौँ हेल्प गरौँ, तर कसैको खुट्टा तान्ने खेदो गरौँ त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ, किनभने जब सुरेश भाइले दुःख पाउँदै थियो हजुरहरूलाई मतलबै थिएन हो कि गर्नु, जब सुरेश भाई टिकटकमा आएर एकदम सक्सेस पिकमा गयो अनि मैले जहिले हेर्थ्यो 14,000, 14,000, 15,000, 16,000 लाइभमा हेर्ने मान्छेहरू हुन्छ क्या होइन, अहिले कति बिछडे कति कहाँ कहाँ पुगे थाहा भएन होइन, त्यत्रो मान्छेहरू थियो, एउटा हुन्छ क्या एउटा पोइन्टमा आएर मान्छेहरूले सक्सेस हासिल गर्दै गरिसकेपछि आँखा लाग्छ क्या होइन, आँखा लाग्छ डाखा लाग्छ अनि यसलाई कसरी गिराउँ, यसको के छ गल्ती पोइन्ट, गलत भन्ने चिज खोजेर हिँड्यो भने मान्छेले भगवान्लाई त गलत साबित गरेछ, शिवजी भगवान्लाई त मान्छेले जड्या हुनेछ नि होइन, ऊ त मान्छे हो या होइन, मान्छेबाट गलत हुन्छ, तर त्यसरी मान्छेको गल्ती नै खोजेर उसको जिन्दगीमा पुरै खोतालो गरेर डिस्ट्रोय गर्न लाग्ने त्यस्तो टाइपले चाहिँ जानु हुँदैन क्या होइन, हिज बिग आर्टिस्ट के नेपालकै ठुलो आर्टिस्ट हो क्या, साथ सपोर्ट दिनुपर्छ तपाईँहरूले होइन, खुस थिए चलो ठीक है मिलके नहीं रह सकते तो फिर ठीक है अपनी लाइफ चलाओ तुम भी अपनी लाइफ चलाओ, हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था, देखो और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो। ऑफ कोर्स यार बोल नहीं बंद छ, ब्लेम किन डालछ, नहीं यार अच्छे नहीं यार, को जो कोई भी ब्लेम कर रहा है वो सब त्यो सबै खुट्टा तान्नेहरू, बस भाइले पनि यति चाहिँ बुझ्नु पर्छ, त्यो सब खुट्टा तान्नेहरू यार, जसले ब्लेम गर्छ नि त्यो सब खुट्टा तान्नेहरू, तर भाई हम ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता ही भी नहीं था है ना, वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है वो किया है, हाँ गलतियाँ उसकी भी थी मेरी भी थी, बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका, तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना काम करे मैं अपना काम करूँ है ना, वो भी खुश है मैं भी खुश हूँ, एक बार की जिंदगी है ना। देखो क्या बोला, एक बार की जिंदगी है ना, एक बार को जिंदगी होता है ना, जून से हमले हाम्रो अमूल्य जीवन हो क्या, अनि कतिपय मान्छेहरू हुन्छ यो लाइफ या सेक्रिफाइस गर्थ्यो या आत्महत्या गर्छ सुसाइड गर्छ नि मान्छेहरू, वाइ के वाइ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने एक बारको जिन्दगी हो क्या होइन, एक बारको जिन्दगी जस जहिले पनि जुनै पनि कुरालाई पोजिटिभ वेमा हेरौँ न हामी होइन, खुसी हुने बाटो धेरै छ धेरै छ, नराम्रो चिजलाई हेर्दै नहेर छुँदै नछुन, नराम्रो चिज छुँदै नछु सुन्दै नसुन होइन, पोजिटिभ वेलाई हेर नि त, पोजिटिभ वेमा हेर्यो भने ढुङ्गालाई पनि देवता भेटिन्छ भन्छ नि मान्छेहरूले, त्यस्तै हो क्या, त्यही भएर भाइले भनेको एकदम राम्रो लाइफ छ यार,
एक बारको जिन्दगी हो होइन, अझै भर्खर 30 वर्ष लागिरहेको छ, अझै कति जिउनु छ, कति रमाइलो गर्नु छ, कति हसिन पलहरू छ, राम्ररी बाँच्न देऊ न होइन। यदि सँगै भएर त्यसरी राम्ररी बाँच्नु सक्दैन भने सेपरेट भएको राम्रो, ऊ पनि ह्याप्पी छ, ऊ पनि ह्याप्पी छ भनेपछि ओके, इफ दे आर ह्याप्पी वी आर ह्याप्पी होइन। त्यहाँनिर हामीले उम्ली तेर्साएर तैँले फल्लासँग लागेर तेरो उसलाई छोडो यस्तो त्यस्तो त्यस्तो भन्ने होइन नि त एभ्रीवन है। ल जो जो पनि हेटर्सहरू हुनुहुन्छ है, म चाहिँ उहाँहरूलाई नि भन्छु, अनि जो जो पहिला सुरेश भाइलाई एकदम मन पराउनुहुन्थ्यो र बिचमा गएर छोडिदिनु भयो चटक्कै होइन, उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु होइन, कसैको पर्सनल लाइफमा गएर उसको जुन अहिले प्रोफेसनल लाइफमा जुन त्यो ह्याम्पर परिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ बिन्ती गर्छु होइन, त्यस्तो नगरिदिनु होला, सास फुर्सदी दिनु होला, रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट होइन, रेस्पेक्ट द आर्ट, अच्छी तरीके से बिताना है ना कि झगड़ा करके बिताना है ना। तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे है ना, और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको है ना। तो जितना जति अदालत ने चाहे थी, अदालत ने सजाए भाला जी दिखने भन्थ तो धेरे दिखे उसको मन में अच्छा रेस्पेक्ट रहे प्रति कुछ तो ठा होना, तो ये बात है। और वो खुश रहे और किसी के साथ भी रहे खुश रहे है ना। मैं अपना जिंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ, मेरा काम तो यही है, लाइफ आना गाना गाना मेरा काम यही है भाई है ना। किसी की प्रेशर से, किसी की कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसे ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से वो कभी टूटते नहीं है भाई। दोनों गॉड, ओ माय गॉड, कति मैच्योरिटी छ भाई मेरो ल। हस्बैंड एंड वाइफ को रिश्ता छ नि, कसैले भनेर थर्ड पर्सन ले भनेर टुट्छ भने त्यो रिलेशन नै होइन क्या हैन। मेरो के म पर्सनल लाइफ मा मैले कस्तो कस्तो फेस गरेछ, मैले पनि के मैले कुरा भन्न मिल्दैन, म भन्न नि भन्दैन हैन। तर एउटा हुन्छ क्या हस्बेन्ड वाइफमा एउटा ट्रस्ट हुन्छ क्या, चाहे जुनसुकैले जेसुकै भन्नुहोस् होइन, विश्वास छ आफ्नो श्रीमतीप्रति, श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानप्रति विश्वास छ भने त्यो रिश्ता कहिले पनि टुट्दैन। सब भाइ यति कुरा त त्यसमा त्यो कमी थियो रहेछ नि त होइन, त्यसैले त टुट्यो त होइन। मन जुनका मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाते हैं। डिवोर्स इज द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता, अगर अच्छा है तो। कमजोर है तो कोई भी टूट कैसे कैसे भी करके टूट ही जाएगा भाई। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए, तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई ऑफ कोर्स यार दिस इज ट्रू, नो वन कैन के कोले पनि सक्दैन क्या। यदि आफ्नो परिवार आफ्नो हस्बैंड वाइफमा होइन राम्रो रिलेसन छ र राम्रो बोन्डिङ छ, राम्रो विश्वास छ भने होइन, र त्यो मायामा विश्वास छ, अडिक छ भने नो वान क्यान डिस्ट्रोय, कसले पनि सक्दैन। जतिसुकै मान्छेले कुरा लगाओस् जेसुकै गरोस् होइन, त्यो रिस्ता कहिले पनि टुट्दैन। त्यही भनेर भाइले थ्याङ्क यू सो मच यार, बवाल दामी कुरो भएर थर्ड पर्सन नै टुटा सक्दा गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है, रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई, हमने भी जितना किया सबको किया और खुश किया है सबको। हम लोगों को अच्छा कमेंट्स करना चाहिए। यस 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 लाइफ स्टाइल है, ब्लॉग चाहिए चाहिए चाहिए, हम लोगों को अच्छा कमेंट्स करना चाहिए। यस यार है ना, यदि इफ यू कैन नॉट डू पॉजिटिव कमेंट्स है ना, तब यदि जो कोई भी है अगर आप लोग को वो लोग को लाइफ पसंद नहीं है और बुरा कमेंट्स करता है, तो आप लोग को ये भी अधिकार नहीं कि वो लोग का लाइफ देखने का है ना। अगर लाइफ देखता है तो अच्छा कमेंट्स करें प्लीज, जो कोई भी हुनुहुन्छ है ना, लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेस्पेक्ट गरौँ, राम्रो राम्रो कमेन्ट्स गरौँ, मोटिभेट गरौँ, बुस्ट गरौँ होइन कुराहरू। ओके गुरुङ अलरेज लभ लभ ओके लाइफ स्टाइल, कोही कमेन्ट्स गर्ने के त्यो कुरा बुरा लाग्दा है यार, हम सबको इतना खुसी मिलता है दोनों है ना, सच में वो दोनों साथ में है, इतना खुसी मिल रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं अभी अब सुरेश भाइले
उनीहरूको फ्युचरको बारेमा त केही भनेको छैन अहिलेसम्म, पास्टको कुरा गर्दैछ है। यति चाहिँ नगरिदिउँ कि हामीले पास्टलाई नै सम्झेर डिप्रेस फिल गराइदिने टाइपको चाहिँ हामीले नबनाऊ क्या। पास्ट इज पास्ट, खलास पास्ट हाम्रो त्यो अब आउँदा पनि आउँदैन है। पास्टलाई सम्झेर मान्छे निराश भएर, पास्टमा हामीले पनि कति दुःख पाथ्यो, पास्टलाई सम्झेर अब निराश भएर बस्यो भने त फ्युचर कसरी बनाउनु त होइन। प्रेजेन्टमा ह्याप्पी हुन सिकौँ, प्रेजेन्टलाई राम्ररी जिउन सिकौँ, फ्युचर भनेको छँदैछ लाइभको होइन उसको। मलिक नसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाइजान, कैसे ठीक है? ओके, एवरीवन सपोर्ट ऑल दिस, एवरीवन सपोर्ट ऑल दिस फैमिली। खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको, उससे ज्यादा मैंने दिया है ना। तो वो खुश है अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ वो पूरा जिंदगी आराम से बिता सकती है ना। कोई लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा है मैंने। जितने भी कॉन्ट्रोवर्सियाँ आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ भाई, मैं नहीं गलत हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता भाई, है ना। मैंने डिवोर्स हुआ भी, आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा। कोई भी यार, कोई भी नहीं, कसले पनि चाहँदैन कि आफ्नो पर्सनल लाइफ लाइफमा आएर कसले भन्छ यार, भन्दै भन्दैन। त्यो त अति भयो भन्नुभयो रहेछ बिचरा। तर भने पर्सनल लाइफमा के चलिरहेछ मान्छेहरूले सेयर गर्दैन कि प्रायः जसो। ऊ त आर्टिस्ट हो नि त, गायक हो, सिङ्गर हो, उसको एउटा गानाले मान्छेको मुड फ्रेस हुन्छ। बिहान बिहान उसको गीत सुन्दाखेरि दिनै हाम्रो राम्रो हुन्छ भने त त्यो म्याजिकल भोइस छ नि त उसँग, त्यो हो क्या। उसको पर्सनल लाइफमा के छ, कस्तो छ, के त्यो हाम्रो सरोकार पनि होइन। र उसले पनि भन्दै थियो होइन, पर्सनल लाइफको बारेमा सेयर गर्न चाहेको थिएन राइट यार। किन पर्सनल लाइफ केलाई सेयर गर्नु, अति भएर चाहिँ धेरै त्यसरी मान्छेलाई धेरै गर्नु हुँदैन एभ्रीवन है। त्यसरी नराम्रो कमेन्ट्स नगरौँ, धेरै टर्चर नगरौँ है। फैलते जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूँ, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसने, इसके कारण से हमारा डिवोर्स। कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता, थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़। इसमें तो आलिया को गलती नहीं है ना, वी आर हमी व्यूअर्स है ना, हमी व्यूअर्स। जैसे कुछ फिल्म में एउटा टाइम थियो काजल और शाहरुख खान, शाहरुख खान को फिल्म आने बितिक फिल्म हिट हो रहा है, तो दर्शक को डिमांड हो, ते भर उम्र थे बोर्डिंग थे राम्रो थे। तस्ते हो टिकटक में सुरेश भाई आलिया को हमें बोर्डिंग राम्रो लाग्छ, उनीहरू दुईजना लाइभ आउँदाखेरि भ्युज बढी आउँछ। त्यसरी सासपोर्ट गर्दै गइरहेथ्यो, तर एक्कासी यही कुरालाई नराम्रो बनाइदिइहाल्यो क्या मान्छेहरूले चाहिँ, त्यस्तो गर्नु नहुने थियो होइन। जस अब चाहिँ त्यस्तो नगरौँ है हामीले भन्नु नै सक्दा। देखो अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकते। वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था, मैं आपको ये बता दूं। चाहते वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था, ये आने से पहले से ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। रीजन एक बन गया, फेक बन गया ये रीजन भी। देखो यार, फेक बन गया बस, बेचारा आलिया बीच में आ गया, मतलब आलिया के साथ वो उसका ब्रोड अच्छा चला तो भी एक रीजन मिल गया। अब फिर आलिया सब आलिया का कोई गलती नहीं इस पे यार, पहले से ही कमजोर था, बुनियाद कमजोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमजोर होते तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमजोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीजन कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसको अपना हक दे के, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है ना। अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता, दोनों मिलते नहीं, मिलके बैठते नहीं, तो इसका मतलब यह है कि छूट जाओ भाई, कोशिश करो। यतिको भन्ने नि कतिको आर्ट चाहिन्छ मान्छेलाई, आमा रियल हो क्या। सुरेश भाइ चाहिँ रियल टक गर्दैछ क्या अहिले, होइन। कति आर्ट मान्छे मनमा कति कुरा गुम्सेको थियो रहेछ विचार, होइन। त्यसरी त्यही भएर यार, कसरी गलत चाहिँ नभनौँ है। हामी को हो र कि, हामी को लाइक गलत सही भन्ने मान्छे हामी को हो र, होइन। हामी त फ्यान हो, हामी हेर्छौँ, फलो गर्छौँ, राम्रो लाग्छ गीतहरू, होइन। आलियासँग हामी कन्भर्सेसनहरू सुन्दाखेरि हामीलाई मजा आउँछ। पर्सनल लाइफमा कहिले पनि त्यसरी एट्याक नहानु एभ्रीवन। मैंने कोशिश किया,
मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार बार कोशिश की, आपको भी पता है मैंने बार बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए संबंध, लेकिन वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो मुझे, मैं डिसीजन लेना लेने के लिए मैं हो गया भाई, मुझे लगा आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि फिर उसको इसका दिल दुखा के मैंने उसको थोड़ा, नहीं ये भी नहीं है, उसको सारे चीज देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है, इसमें सब सब कुछ ठीक है, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना, ठीक हूँ। मैं जैसा भी करूँ, मैं लाइफ में इसके साथ बोलूँ, दूसरे के साथ बोलूँ, बोलूँगा भाई,